मतगणना को लेकर जिला अधिकारी अंजनी कुमार सिंह ने की प्रेस वार्ता। लोकसभा चुनाव को मद्देनजर रखते हुए रामपुर जिला अधिकारी अंजनी कुमार सिंह ने प्रेस वार्ता के दौरान बताया कि उन सबका चयन भी हो चुका है, प्रशिक्षण भी हो चुका है, उनका रैंडमाइजेशन भी हो चुका है, बाकी ऑब्जर्वर क्या निकल लेवल ऑफ रैंडमाइजेशन होगा। जितने सारे स्टाफ हैं उन सबका चयन हो चुका है। इसके अलावा जो थ्री लेयर, जो भी इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया के निर्देश के मुताबिक थ्री लेयर में होनी है, वो थ्री लेयर हमने बिछा दी है। वीवीपैट की पर्ची से मिलान करना है, उसके लिए उन 14 टेबल में से एक टेबल केस्ड टेबल होगा, वो भी हमने बनवा दिया है। हर जगह सीसीटीवी कैमरे, हर एक गणना मतगणना स्थल पे सीसीटीवी कैमरे और वीडियोग्राफी रहेगी। काउंटिंग एजेंट्स के लिए भी तय किया गया है, सारे उम्मीदवारों के आ रहे हैं एजेंट्स, उन सबकी नियुक्ति की जा रही है। और ये तय स्पष्ट कर दिया गया है कि बिना पास के कोई भी मंडी समिति में घुसने नहीं पाएगा। मतगणना स्थल पे कोई भी मोबाइल फोन या किसी तरीके की इलेक्ट्रॉनिक गजट या आपत्तिजनक चीज नहीं ले जा सकेगा। वहां पे मीडिया के लिए अलग से प्रबंध कराया गया और वहां पे मीडिया के लिए जो चीजें इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया ने कही उन सारी सुविधाओं से उसको लैस किया गया है। वहां पे जो कि सारी चीजें ऑनलाइन है, आज उसका ड्राई रन भी हुआ, हमने इंटरनेट से लेके और निर्बाध गति से विद्युत आपूर्ति की व्यवस्था करा रखी है। पब्लिक को सूचना देने के लिए वहां पे अनाउंसमेंट के साथ साथ यहां शहर में तीन स्थलों पे, कचहरी पे, यहां पे कलेक्ट्रेट में और किले पे लाइव स्ट्रीमिंग की व्यवस्था की गई है। वैसे भी भारत निर्वाचन आयोग का जो वोटर हेल्पलाइन ऐप है उसमें सीधे सीधे कोई भी डाउनलोड करके उसमें किसी जगह का रिजल्ट देख सकता है। और हम लाइव स्ट्रीमिंग जो करेंगे वो भारत निर्वाचन आयोग के ही वेबसाइट के थ्रू करेंगे, लेकिन वो वेबसाइट जो बेहतर, मतलब सॉफ्टवेयर जो बेहतर त्वरित रिजल्ट देगा।